वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है शिमो और आप लोग देख रहे हैं गाइस मेरा YouTube चैनल चमकांडी गेमर। सो कैसे हो आप लोग? आई होप गाइस ठीक होगे। सो गाइस आपको तो याद ही होगा गाइस, लगभग हमने एक हफ्ते पहले अपने बड़े भाई के साथ यार कस्टम मैच किया था, ठीक है गाइस। तो आपको तो याद होगा जिसमें गाइस मैंने अपने बड़े भाई को बहुत गंदी तरीके से हराया था गाइस 7-3 से। उसके बाद भाई मेरा भाई जो है बहुत गुस्सा हो गया और गाइस उसने बोला कि यार मुझे फिर से तुझसे एक कस्टम करना है और मुझे लेना है तुझसे बदला। सो गाइस मैंने भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया गाइस। मैंने भी कह दिया आज देखते हैं फिर से मैं तुझे 7-1 से हराऊंगा। सो गाइस हम दोनों में लग चुकी है एक कस्टम की चैलेंज। सो गाइस देखना है कौन जीतेगा और कौन हारेगा, क्या मेरे भाई का बदला पूरा हो पाएगा या नहीं। तो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहो, आपको बहुत मजा आने वाला। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखो हमारा कस्टम मैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है और आज मेरा अपोनेंट है गाइस मेरा बड़ा भाई, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है गाइस मुझसे बदला लेना, क्योंकि यार पिछली वीडियो में अपन लोगों ने उसे बहुत गंदी तरीके से हराया था। मुझे अभी भी तक याद है कि यार मैंने उसे 7-3 से हराया था गाइस, 7-3 से, कितनी गलत अच्छी चीज थी। सो यहाँ पे देखो कस्टम मैच जो हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और आई थिंक और भाई ये तो अचानक से गाइस मेरे सामने आ गया, मैंने बहुत गंदा डैमेज दे दिया इस बंदे को, आई थिंक 50 का डैमेज दे दिया। यहाँ पे मर जा सो गाइस थोड़ा सा और डैमेज चाहिए बस और ये गया। So guys, पहला राउंड में गाइस हमारे देखो सिर्फ और सिर्फ 60% एचपी गई है, सिर्फ और सिर्फ 60% एचपी। सो गाइस पहला राउंड भी हमने अब बहुत अच्छे तरीके से खेल लिया गाइस। गाइस हम यार थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करी गाइस, बहुत थोड़ी सी भी मेहनत नहीं, मेरे को लगा था गाइस फर्स्ट राउंड में नहीं जीत पाऊंगा। अभी बदले के ये क्या कहते हैं इंतकाम के मूड में आया है, तो आई थिंक ये मुझे एक भी राउंड जीतने नहीं देगा, लेकिन ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखो हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है गाइस, मैंने MP5 जो है वो भी ले ली है, ठीक है गाइस। सो आई थिंक यार वो बंदा स्नाइपर लेके उस साइड जाएगा, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं करता गाइस, वो हमेशा रश करता है। यहाँ पे देखो मेरे को पता चल चुका है कि वो बंदा कहाँ है, वो बंदा ग्लूवल्स के ढेर लगाए जा रहा है। सो मैं पीछे से रश करता हूँ और यहाँ पे तो है ही नहीं गाइस, यहाँ पे तो है ही नहीं, एक सेकंड यहाँ पे क्या, नहीं यहाँ पे नहीं है गाइस। सो अच्छा वो रहा, मतलब इतनी ही सी देर में ये बंदा वहाँ यहाँ से वहाँ चला गया, मेरे को तो पता भी नहीं चला दी। तो ये रहा गाइस गाइस, अरे ओ भाई यार शिट गाइस शिट यार, इस बंदे ने मेरे को यार फिर से हेडशॉट मार दिया गाइस, यार गलती से यार इसने मेरे को फिर से हेडशॉट मार दिया यार, डेजर्ट ईगल की हेल्प से यार फिर से गलती से मेरे को यार हेडशॉट मार दिया यार, क्या मतलब कितनी गलत बात है यार, शिट वाओ। छोड़ा गाइस इन सब चीज़ों को, यहाँ पे हमारा थर्ड राउंड जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे मैंने शॉट गन जो है वो भी अपनी उठा ली है। और मैंने गाइस देखो यहाँ पे थोड़ी मूवमेंट स्पीड ना फास्ट रख रखी है, क्योंकि यार मेरे को जो नॉर्मल स्पीड होती है ना यार वो पसंद नहीं है, ठीक है। मेरे को जो तो नॉर्मल स्पीड होती है ना, मतलब गेम जो भी क्लासिक व्लासिक रैंक में उसमें एक नॉर्मल स्पीड होती है 100, तो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरे को यार थोड़ी ज़्यादा ही पसंद है। सो यहाँ पे मैं उस बंदे पर नज़र रख रहा हूँ, यहाँ पे देखो बंदा यहीं कहीं पे आएगा, सो मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, क्योंकि यार वो बंदा जो है वो यहीं पर ही आएगा। यहाँ पे देखो आ चुका है, अरे 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 ओ भाई साहब, अरे काश मैं तो भूल ही जाता इस बंदे के पास स्किन भी है और मैं थोड़ा सा दिख रहा था गाइस, यार काश मेरे पास भी स्किन होती, मैंने शिट यार मैं स्किन बंद करना भूल गया गाइस, मतलब स्किन थोड़ी देर बंद करते मैं स्किन बंद करवाना भूल गया यार, यार मुझे तो भूल गया था गाइस इसके पास बहुत ओपी से स्किन, आपको तो पता ही होगा। सो छोड़ा यार इन सब चीज़ों को, यहाँ पे बंदा दो बार जीत चुका है, हमें तो गाइस किसी भी हालत में यार ये वाला जीतना ही पड़ेगा, हमें जो इसका रिवेंज है गाइस वो सपने ही रहने देना पड़ेगा, मतलब इसका जो बदला है गाइस हम उसका सपना ही रहने देंगे, ठीक है, और पूरा नहीं होने देंगे गाइस किसी भी हालत में है ना, पूरा नहीं होने देंगे। सो यहाँ पे मैंने M1887 उठा लिया है और बहुत तेज़ी की तरफ से जा रहा हूँ इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर, ठीक है। और आई थिंक यार ये बंदा यहाँ पर नहीं होगा, ये तो यहीं पर गाइस, ये तो यहीं पर ग्लूवर लगा रखा है, नहीं ये यहाँ पर नहीं होगा गाइस, ये पक्का यहाँ पर नहीं है, हाँ गाइस यहाँ पर नहीं है, मेरे को पता था, क्योंकि ये बस ग्लू वाला ऐसे लगा रखा है कि ये बंदा भटक जाए। तो बहुत दिमाग है गाइस इसमें, मेरी ट्रेनिंग का कमाल है गाइस, मैं ही ऐसे करता हूँ तो मेरी ट्रेनिंग का कमाल। सो गाइस मेरे को अभी बिल्कुल भी नहीं पता ये बंदा मुझे मिलेगा तो मिलेगा किस वो गाइस, ये देखो मेरे को मिल चुका है बंदा, तो यहाँ पे शायद इसने भी मेरे को देख लेगा शायद, हाँ गाइस इसने भी बंदा ने मेरे को देख लिया है। सो गाइस यहाँ पे देखो इस बंदे ने मेरे को देख लिया, यहाँ पे मेरे को 90 का डैमेज मिल चुका है डेजर्ट ईगल की हेल्प से, और मैं थोड़ा हेल्थ बढ़ा लेता और गाइस बस थोड़ी सी देर और ये बंदा ऊपर आ गया, तो चलो फोड़ते और एक गया। ओ गाइस क्या ही हेडशॉट मारा है गाइस, बहुत ओपी से गाइस, क्या ही हेडशॉट मारा है यार, बहुत मजा है, बहुत ओपी यार, मुझे बहुत मजा आया यार, क्या ही हेडशॉट मारा भाई साहब,
बहुत ओपी। सो यहाँ पे देखो हम दो दो बार जो है जीत चुके हैं, अपन लोग जो है बराबरी पर चल रहे हैं, ठीक है गाइस, बराबरी पर चल रहे हैं। और गाइस अभी तो इसको और नूब की तरह हराएंगे अपन, अभी अभी तो अपन की शुरुआत की है गाइस। इस नूबड़े आदमी को अपन लोग जीतने नहीं देंगे, ठीक है, इस नूबड़े आदमी को यार अपन लोग जीतने नहीं देंगे। तो गाइस यार जो भी छोटे छोटे भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने बड़े भाई से बदला लेना चाहते हैं, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और यार बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने इस बंदे को थोड़ा सा डैमेज दे दिया है और ये बंदा छुप रहा है, छुप रहा है गाइस। तो चलो यार अभी इस बंदे ने, ओ गाइस मेरे आने से पहले थोड़ा सा जगह आएगा जहाँ पे मैंने बहुत, ओ गाइस यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा डैमेज और दिया। अब गाइस मैं जैसे ही आता हूँ वैसे ही ये बंदा मतलब ग्लू वॉल लगा लेता है, ओ गाइस यार। तो चलो यार अभी अपन लोग इसे और फंसाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने देखो यार हर तरफ से जो है ग्लू वॉल के भंडार जो है वो लगा दिया है गाइस। आए काश यार जोन जो है वो बहुत जल्दी आ जाए और ये बंदा फंस जाए, ठीक है। सो मैं यहीं पर थोड़ी देर रुकता हूँ। सो यार यहाँ पे तो रुकने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, ठीक है। तो चलो यार अब मैं ऊपर की साइड चला जाता हूँ और ऊपर की साइड जाके यार मैं जो है नज़र रख लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैं आ चुका हूँ और थोड़ा सा इंतज़ार करने का, कब ये बंदा मुझे मारेगा, कब मारेगा, कब मारेगा, थोड़ा सा इंतज़ार का है। बस एक एरिया चाहिए कि गाइस कब मेरे गन पॉइंट पे ये बंदा आ जाए और अपन इसको MP5 से धून दे गाइस, हेडशॉट लगा के अच्छे से जो है ख़त्म कर दे, ठीक है। अरे अबे भाई साहब गाइस यार इतनी गलती तो मुझसे मतलब फाइनल पेपर में भी नहीं होती, जितनी गलती इस बंदे से हेडशॉट लग जाता है गाइस, इतनी गलती कसम से मेरे पेपर में भी नहीं होती जितनी ये बंदा गलती से हेडशॉट लगाया जा रहा है यार। ओ भाई शिट, ये तो गलत बात हो रही है यार, ये तो बहुत गलत बात हो रही है। बंदा तीन बार जीत चुका, हम दो बार जीते हैं, बहुत गलत बात। गाइस हमें हारना बिल्कुल भी नहीं है गाइस, हमें बिल्कुल भी नहीं हारना गाइस, ये हमारी इज्जत का सवाल है गाइस, छोटे भाइयों की इज्जत का सवाल है और मैं छोटे भाइयों को निराश नहीं कर सकता, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखो ये क्या कहते हैं इसे, तीन चार बार छठा राउंड जो है वो भी गाइस स्टार्ट हो चुका है ये बंदा। अरे यार मैंने वहाँ पे मेरे को लगा सीधे सीधे से आएगा ये बंदा, तो यहीं से आने लग गया गाइस। सो अभी थोड़ा इंतजार करेंगे, अच्छा ये ऊपर चला गया है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी अपन लोग इसे फोड़ेंगे। सो यहाँ पे देखो आई थिंक यार वो बंदा पीछे की साइड जा चुका है, तो मैं थोड़ा यार यहाँ पे भाई साहब गाइस यहाँ पे देखो मेरे को इसने बहुत गंदा डैमेज दे दिया गाइस, 100 का डैमेज दे दिया इस बंदे ने मेरे को, ठीक है, 100 का डैमेज दिया, 90 का डैमेज दिया, आई थिंक डेजर्ट ईगल से बंदा मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। सो 90 का डैमेज दिया इस बंदे ने, थोड़ी सी और हेल्थ लगा लेते हो गाइस, मैंने हेल्थ लगाना भूल गया था, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने हेल्थ जो है वो पूरी मेडिकेट यूज़ कर ली है, ठीक है। अरे मैं दोबारा क्यों यूज़ कर रहा, छोटे छोटे भर तो चुकी है मेरी हेल्थ। तो यहाँ पे देखो मैंने हेल्थ जो है वो भी ले ली है और यहाँ पे ये बंदा ऊपर की साइड चला चुका है, तो अभी हम अपने पास रश करने का मौका है। तो चलो अभी अपन लोग जल्द से जल्द जो है वो शॉटगन ले लेते हैं और ये रश करते हैं, और ये गया, ओ ये तो मर गया ये क्या हो गया गाइस, इसको तो मतलब ये बंदा जैसे जैसे अपने हाथ में गन लिया वैसे अपन लोगों ने इसे फोड़ दिया, मजा आ गया गाइस, बहुत मजा आ गया गाइस, मुझे बहुत मजा आ गया, मुझे रस प्राप्त हो गया गाइस, अब मैं इस दुनिया में और जीना चाहता हूँ मजाक था गाइस, ये सब मजाक था, ठीक है। सो चलो यार अभी हमारा सातवां राउंड जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है, तीन तीन के पॉइंट है, बराबरी पर चल रहा है। तो गाइस मेरे ट्रेनिंग का कुछ तो फायदा हुआ है मेरे भाई पर, ठीक है, मेरी ट्रेनिंग का गाइस कुछ तो फायदा हुआ है मेरे भाई पर यार, पिछले वाले में अपन लोगों ने 7-3 से हराया था और इसमें तो इसने स्टार्टिंग में ही 3 पॉइंट कर लिया और हमने भी 3 पॉइंट कर लिया, ठीक है गाइस। तो हम तो पीछे नहीं रहे गाइस, यहाँ पे तो कुछ बंदे ने रश करने की कोशिश की, लेकिन मैंने धुआं कर स्मोक कर दिया यहाँ पे मैंने। सो आई थिंक ये बंदा यहीं कहीं पे हो सकता है गाइस, छुपा हुआ हो। सो कहाँ है, अच्छा ये रहा गाइस यहाँ पे, और अरे यहाँ पे गाइस इसको थोड़ा सा डैमेज लगा और भाई मर जा, और ये ओ भाई बहुत ओपी गाइस, यहाँ पे हमारा 4 किलो गया गाइस, हम अभी लीड में हैं गाइस, बहुत ओपी, यहाँ पे हमारा अभी हम 1 पॉइंट से ज़्यादा, मतलब 1 पॉइंट हमारे ज़्यादा है गाइस, अभी अब 1 पॉइंट से आगे चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी 1 पॉइंट से अपने आगे चल रहे हैं और अभी एक बार भी इसको नहीं देना गाइस, फिर से अपन लोग एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं गाइस, 7-3 से 2 बार मैं इसको हराऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं गाइस इसे 7-3 से ही हराऊंगा, तो गाइस जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है गाइस, तो जस्ट वेट एंड वॉच और देखते जाओ एंड तक, देखो यार वीडियो को कि क्या होने वाला है। सो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा ट्रिक व्रिक अपनाने जा रहा हूँ अपनी, वापस से वो फेवरेट वाली ट्रिक, ठीक है, जो मेरे को यार इस जगह पे सबसे अच्छी वाली लगती है ट्रिक। सो यहाँ पे मैं, अरे ये क्या हो रहा है गाइस, मैं चढ़ के नहीं पा रहा, चढ़ गया, अब थोड़ा सा पीछे जाना है और थोड़ा उछलना और उछल, अरे यार यार क्या हो रहा है, मैं ऊपर क्यों नहीं चढ़ पा रहा, आखिरकार गाइस मैं चढ़ ही गया, आखिरकार मैं चढ़ गया, यस। अबे यार ये क्या हो रहा है, गाइस मैं ट्रिक अपना लेता हूं, कहां से आ गया,
गाइस कोई बात नहीं, अभी अपन लोग हारे तो नहीं है ना, अभी वो एक पॉइंट से आगे तो नहीं है, हमारे पास अभी भी जीतने के 50% चांस है और हम जीतेंगे गाइस, हम जीतेंगे गाइस। आपको तो पता ही है मैं कितना बड़ा प्रो हूँ, तो आप तो मुझे सपोर्ट करते रहो गाइस, आपकी दुआएं से हो सकता है यार मैं जीत जाऊँ। आप मैंने थोड़ी सी गोली चलाई फालतू में, पता नहीं क्यों लगता है गाइस मेरा हार के दिमाग खराब हो चुका है। यहाँ पे चार के पॉइंट है गाइस हमारे पास, सभी मैंने एक एमिनेटेड 7 और थॉमसन जो है वो भी उठा लिया है, ठीक है, और थोड़ी सी ग्लू वॉल है। सो यहाँ पे मैं अरे क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं पता नहीं चिमकांडी गिरी कर रहा हूँ, ठीक है। सो चिमकांडी होता चिमकांडी गिरी तो कर दूंगा ही, ठीक है। सो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ गाइस वो बंदा आखिरकार मेरे को मिलेगा तो मिलेगा कहाँ, किस और किस मोड़ पर गाइस। अरे ये तो इसी मोड़ पर मिल गया गाइस, इस बंदे के तो मेरे इसी मोड़ पर क्या कहते हैं मिलन हो गया। सो यहाँ पे बंदा आ चुका, चलो इसे खत्म करते हैं। अरे अरे ओ भाई यार क्या हो रहा है यार, ओ गाइस देखो यार सिर्फ 8% एचपी, भाई साहब यार सिर्फ 8% एचपी, ये बंदा लक से जीता गाइस, ये बंदा लक से जीता यार, शिट। ओबे भाई यार क्या हो रहा है यार, यार ये कुछ अजीब है या जादू टोना कर रहेगा। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, वैसे मैं बताना चाहता था क्योंकि ऐसे ही मेरा मन था, मेरी मर्जी, मैं आपको नहीं बताना चाहता था गाइस, लेकिन मैं आपको आज बता देता हूँ, ये जो मेरा भाई है गाइस ये जादू टोना जानता है। यस गाइस, यस हाँ गाइस, ये जादू टोना जानता है और गाइस ये जादू टोना जानता है और ये बहुत काला जादू करता है गाइस, बहुत सारा काला जादू करता है, बहुत जादू टोना जानता है गाइस। और इसने मेरे क्या कहते हैं हाँ मेरे मोबाइल पे जो है जादू टोना कर दिया है, ठीक है। इसने मेरे मोबाइल पे जो है ना जादू टोना वो कर दिया, जिसकी वजह से यार मैं अच्छा नहीं खेल पा रहा हूँ, और अपने पे भी करता है। सो यहाँ पे मेरे को पता चल गया 56 का, अरे 56 का डैमेज और 60 का डैमेज, जिसको पता चल चुका है कि हम यहीं पर हैं, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, हम रश करेंगे जिस हमारी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। सो चलो अभी जल्द से जल्द अपन लोग इसके करीब पहुँच जाते हैं, ठीक है। एयरडोन से इसका ग्लू वॉल फोड़ता है, चलो। सो फालतू में भाई मैं फोड़ रहा हूँ, इसका कोई अब क्या कहते हैं उसे मतलब नहीं बनता, क्योंकि ग्लू वॉल तो खत्म होने नहीं है कस्टम में, तो इसका कोई मतलब तो बनना नहीं है वैसे, लेकिन मैं फालतू गिरी करता रहता हूँ गाइस, मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। सो ये बंदा कहाँ हो सकता है, ये चाहिए तो यहीं पे है, चलो इसे फोड़ते और यहाँ पे ये नीचे उतरा और चलो गाइस फोड़ते और ये मर जा 54 का डैमेज, और ये नहीं मरा गाइस, या तो सिर्फ 54 का डैमेज पड़ा इस बंदे को, और ये अरे इसने अपने को ग्लू वॉल से कवर कर लिया गाइस, थोड़ा सा जगह बचा है। चलो अरे ओ भाई जैसे मैं जाता हूँ वैसे ये बंदा अपने आपको कवर कर लेता है, कोई बात नहीं पीछे जाएंगे, और ये बंदा आ चुका है यहाँ पे, मर जा गया। ओ गाइस बहुत तो प्यार, मैं मतलब किस तरीके से बचाऊं, देखो सिर्फ 40% एचपी है, माई साहब क्या ही मैंने वुड पैकर से गाइस इस बंदे को भूंदा है गाइस, बहुत तो यहाँ पे भाई पांच बार जीत चुके हैं, अभी सिर्फ और से मेरे को 2 बार और जीतना है। सो गाइस इससे साबित होता है कि मैं कितनी अच्छी ट्रेनिंग देता हूँ, अगर आपको भी ट्रेनिंग देना था मेरे फ्री फायर क्या कहते हैं आईडी में, मेरे को ना डीजे आलोक गिफ्ट करो और क्रोनोबे क्या कहते हैं गिफ्ट करो और वुकोंग भी, सब जो है गाइस फ्री फायर में जितने कपड़े जितने करेक्टर सब गिफ्ट करो, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है। 5 मिनट की ट्रेनिंग है, आप 5 मिनट प्रो बन जाओगे, ठीक है। सो चलो यार यहाँ पे अभी जल्द से जल्द अपन लोग वही वाली ट्रिक अपना रहते हैं स्मोक वाली, ठीक है। सो अभी मैं फिर से स्मोक जो है वो फेंकता हूँ, यहाँ पे देखो स्मोक फेंक गया मैंने, और थोड़ा सा धुआं होने दो, थोड़ा सा धुआं होने दो, आई थिंक यार फिर से बंदा वैसा ही करेगा जैसा पिछली बार क्या था, पिछली बार जैसे यहाँ और ये तो यहीं पे था, ओ शिट शिट ग्लू वॉल का है गाइस, यार मैं ग्लू वॉल क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ यार, यार पता नहीं क्या हो रहा है, मैं ग्लू वॉल ही नहीं लगा पा रहा हूँ। अबे भाई यार पता नहीं क्या हो रहा है गाइस, यार मैं ग्लू वॉल पता नहीं क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ, और यहाँ पे देखो वो वाली जगह जो थी जिसमें इस बंदे ने मेरे को धोखा दिया था, मैं अपना ट्रिक आजमा रहा था और इसने मेरे को फोड़ दिया था, वही वाली जगह वापस आ चुकी है। मैंने वुड पैकर एमिनेटेड 7 एक ग्लू वॉल एक हेलमेट और एक मशरूम, 2 मशरूम उठा लिया है, ठीक है, और जेटी नहीं यूएसपी है मेरे पास, ठीक है। तो चलो यार अभी अपन लोग ना इस वाली जगह पे अपन लोग मरे थे, तो अपन अभी ना वो वाली ट्रिक आजमाएंगे नहीं, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से वो बंदा वहीं पर उसी पर जाएगा वापस से, क्योंकि उसे लग रहा होगा कि अपन लोग ये वाली ट्रिक आज वापस अपनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, अभी अपन लोग दूसरी ट्रिक कोई भी ट्रिक अपनाने वाले नहीं है, अपन लोग सीधा ऊपर की साइड जाएंगे छत की ओर, ठीक है, छत की ओर जाएंगे, सीधा छत की ओर जाएंगे और छत के ऊपर जाकर इसको भून देंगे, ठीक है, हेडशॉट देंगे गाइस, हेडशॉट। तो यहाँ पे मैं ऊपर आ चुका हूँ और मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता ये बंदा मेरे को मिलेगा तो मिलेगा किधर, सो मेरे को नहीं पता ये बंदा मेरे को मिलेगा कहाँ, सो थोड़े दिन इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा, ये कहीं पर भी हो सकता है, मेरे लेफ्ट राइट आगे पीछे तो हो ही नहीं सकता गाइस, आगे या दाएँ बाएँ ही हो सकता है, ठीक है। सो पता नहीं यार कहाँ है, कहाँ गाइस ये बंदा है तो है कहाँ। सो अभी यार मेरे को ये बंदा नहीं मिल रहा, तो मेरे को थोड़ा अरे गिर गया, तो अभी मैं वापस से जाता हूँ उधर, और उधर से फिर छत से मैं ना फिर से जाऊँगा ये गैलरी में जाता हूँ, अभी गैलरी से फिर अपन लोग इस घर पे चलेंगे, गैलरी में आ गया छत पर भी आ गया। सो अभी मैं इस घर के छत पर भी आ चुका, और ये बंदा मेरे को गोली चलाएगा, इस बंदे ने मेरे को पता चल गया चुका ये मेरे लेफ्ट साइड की ओर ही है, ठीक है, ये बंदा जो है वो मेरे लेफ्ट साइड के ही हो रहे, इतने व्हाट्सएप से मैसेजेस किसके आ रहे हैं बाद में देखेंगे इस बाद में। सो चलो यार अभी देख लेते हैं आखिरकार ये बंदा अब
अबे यार है कहाँ यार, इतना मतलब जोन इतना करीब आ गया ये, मतलब मेरे को मिला ही नहीं, मतलब कहाँ है यार। अच्छा आखिरकार गाइस कांग्रेचुलेशन, आखिरकार ये बंदा मिल गया। भाई साहब यार कितना टाइम वेस्ट कराया यार इस बंदे ने, इतने देर में तो अपन लोग इसे भून चुके होते हैं, इतना टाइम वेस्ट करवा दिया हमारा। हाँ हमारा टाइम आपको तो पता है यार कितना कीमती से यहाँ पे मतलब मिल गया 54 का 52 का, और ये मर जा वो थोड़ा सा और ये गया। ओ भाई साहब ये देखो ये इसने अजीब सा ही कांड किया, मतलब ये बंदा ग्लू वॉल लगा रहा था तो अपने से 10 फीट दूर ग्लू वॉल लगा लिया भाई, 10 फीट दूर अपने अपने आप से ग्लू वॉल लगाया इसने, और खुद को मतलब अपने पास नहीं लगाए, इतना दूर लगाया और मैंने मौके पे चौका मारा और मैंने बोर दिया। सो यहाँ पे देखो 6-6 बार हम दोनों जो है जीत चुके हैं गाइस, 6-6 बार, और बस एक बार और गाइस, बस एक बार और हमें जीतना है, और मैं बस गाइस मैं वापस से जा रहा हूँ गाइस कैंपिंग करने, क्योंकि मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना गाइस, मुझे इसे जीतने नहीं देना। आखिरकार गाइस ये छोटे भाई जो हैं मेरे दोस्त गाइस, मेरे छोटे छोटे भाई जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनकी इज्जत का सवाल है गाइस, मेरी इज्जत का सवाल है, तो मुझे हारना नहीं अपने बड़े भाई से, ठीक है। मैंने पहले भी अपने बड़े भाई को हराया, इस बार भी मैं अपने बड़े भाई को हराऊंगा। सो यहाँ पे मैं वापस से जा रहा हूँ गाइस कैंपिंग करने, ठीक है गाइस। सो मेरे हिसाब से गाइस उसको तो पता है कि मैं कैंपिंग करता हूँ इस जगह पर, सो मैं कभी कभी कैंपिंग करता हूँ, बाकी सब मैं रशिक करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, क्योंकि आई थिंक यार वो बंदा यहीं कहीं से आने वाला है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से थोड़ी देर गाइस हमें रुकना है, थोड़ी सी ही देर। सो गाइस ये तो आ ही नहीं रहा गाइस, कहाँ छुपा हुआ यार वो बंदा। गाइस जोन जो है गाइस वो भी जो करीब आ रहा है गाइस धीरे धीरे, लेकिन ये बंदा जो है दिखने का तो नाम ही नहीं ले रहा। सो गाइस देखो जोन जो है गाइस पास आ चुका है, तो यार अब मेरे को यार उतरना ही पड़ेगा, बस थोड़ी देर और रुकना है, थोड़ी देर और अगर आ गया वरना गाइस हमें नीचे ही उतरना पड़ेगा, ठीक है। जोन जो है गाइस बहुत करीब आ चुका है, तो चलो यार मैं जोन जो है गाइस बहुत ज़्यादा ही करीब आ चुका है, ठीक है। तो अभी मैं गाइस नीचे उतर जाता हूँ गाइस, बहुत आ चुका है गाइस करीब, तो अभी अपन नीचे ही चले जाते हैं गाइस, चलो जल्दी से अपन नीचे ही चले जाते हैं। सो गाइस ये है कहाँ यार, ये बंदा मेरे को मिल नहीं रहा, मेरे को नीचे जाने का मन है, और ये अबे यार ये बंदा यहाँ पे बाहर निकला गाइस, गाइस ये बंदा बाहर निकला है, ओबे भाई साहब गाइस गाइस ये बंदा कहाँ से बाहर निकला है मेरे को समझ नहीं आ रहा, और जोन भी आ रहा है गाइस। हमें आत्मसम्मान से मरना है, हम आत्मसम्मान से मरेंगे गाइस, हम आत्मसम्मान से मरेंगे, और हम मर गए, हम मर गए। सो गाइस यार कोई बात नहीं, अरे देखो गाइस यार कोई बात नहीं, हम आत्मसम्मान से मेरे, और आत्मसम्मान से यार मेरे चिमकांडी मिश्र चिमकांड गाइस अच्छे से याद आया गाइस, मैंने अपना जो नाम है ना वही बदल लिया, ठीक है। पहले मेरा नाम ऐसे टी आर 26 था, मैंने अपना नाम गलती से मिस्टर चिमकांड रख दिया, मेरे को मिस्टर चिमकांडी रखना था, छोड़ो यार ये सब चीज़ें छोड़ो। सो यहाँ पर देखो हम यार हमारा भाई जो है उसका बदला यार पूरा रहा, हम हार चुके हैं लेकिन हम आत्मसम्मान से मरे गाइस, छोटे भाइयों मैंने आपका सम्मान किया और हम आत्मसम्मान से मरे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो हम मिलेंगे आपको अगली चिमकांडे में, तब तक के लिए बाय बाय।